Hey guys, this is Jaya. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. If you are new to my channel, I'd be really happy to take a moment and subscribe to my channel below and press the bell icon for latest update. सो आई होप आप लोग सारे सही होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है और आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं. तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे अपना ड्यू में, OBE, ठीक है ना, ओपन बुक एग्जामिनेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू अटैम्प्ट OBE, मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो ड्यू में है उनके लिए ये पहला एग्ज़ाम है ड्यू का, जो कि ऑनलाइन ही हो रहा है. ऑफलाइन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसीलिए आपको थोड़ी सी टिप्स आपको देना ज़रूरी है, ठीक है. तो चलिए बताती हूँ मैं. प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए. अगर आप लोग बीच में स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी. तो आप फर्स्टली आप एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो इसमें आपके पास आपकी जो स्टडी मटेरियल जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रोवाइड किया गया है, मतलब आपको बुक्स के नेम बता दिए होंगे, स्टडी मटेरियल वो तो आप लोगों ने खुद भी परचेस कर लिया होगा, ठीक है. बाकी आप लोग जो भी ट्यूशंस कर रहे होंगे या कैसे भी अपनी स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है. तो आप लोगों के पास जो भी अपना मटेरियल है उसको तो आपको अपने पास रखना ही है उस टाइम पे, क्योंकि आपको बुक्स में से हेल्प लेनी है. आप बुक की जो भी बुक पूरी एनालाइज करोगे, पहले क्वेश्चन पेपर देखोगे, फिर आप देखोगे क्या आया है, क्योंकि सेम तो एज इट इज़ वो नहीं देते कि आपको बुक्स में इतना ईजिली मिल जाए, बट आपको अपना पूरा पहले से ही प्रिपेयर करके चलना है कि आपको ज़्यादा हेल्प ना लेनी पड़े बुक से, ठीक है. आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, बट एज इट इज़ आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि आप एज इट इज़ अगर वैसे ही प्रिंट कर देंगे वहाँ पे पेपर में लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने वहाँ से देख के लिखा है. तो आप लोगों को पासिंग मार्क्स ही मिलेंगे पूरा, जैसे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे वो आपका है क्वेश्चन, जो कि कितने मार्क्स का आता है, ठीक है. 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, और आपको लिखा जाएगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना. आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से आपका वन क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का होता है उसमें भी हमको जो लिमिट्स मिली होती है वर्ड्स की, वो 1000 वर्ड्स की लिमिट होती है, ठीक है ना. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000, मतलब मान के चलते हैं आपको 4 to 5 पेज या मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 पेज आपको करने हैं. बट सिर्फ भरने नहीं है, जो आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है उसका आपको पूरा एनालाइज करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ लिखना है. उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी आता है आपको वो वहाँ पे लिख देना है. बट इस बार तो वो तो उस बच्चे के लिए होता है जो वहाँ जाके एग्ज़ाम दे रहा है, बट आप लोगों के पास बुक भी है, नेट भी, आप लोगों के पास हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप लोग उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक का ही क्वेश्चन जो आपको पूछा है वो ही आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग. बाकी आप लोग जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे आंसर दे सकते हैं. तो आप लोगों को सबसे पहले फर्स्टली वही आंसर, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे पहले आता है, अच्छी तरह से आप उसमें श्योर हो कि हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है. आप उसे ये अटेम्प्ट करिए फर्स्टली, और एकदम साफ होना चाहिए. आपको प्रेजेंटेशन बना के अपना एग्ज़ाम देना है, एकदम प्रेजेंटेशन. इट मींस आप लोगों को पूरा जो भी क्वेश्चंस आता है उसमें आप लोग डायग्राम्स की हेल्प लीजिए, और जैसे डिफरेंस बताना है तो आप लोग डिफरेंस बताए आपको कैसे देते हैं, मतलब खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए. आप लोगों को एकदम साफ सुथरे से आप लोग अपना पेपर दीजिए. जहाँ पे पैराग्राफ की बात करिए वहाँ पे आप पॉइंट्स को डिनोट करिए, पॉइंट्स बनाइए वहाँ पे. आप पॉइंट्स बनाओ सच एज, जैसे कि वहाँ पे आप पॉइंट्स में 1, 2, 3 दे सकते हैं ना. उसके बाद आप लोग जैसे कि 1, 2, 3 आप दे सकते हैं, वहाँ पे आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स को, ठीक है. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँगी, ठीक है ना, उस चीज़ से आप कर सकते हो. उसके बाद आप लोग प्रेजेंटेशन हो गई आपकी थ्योरी सब्जेक्ट में, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ आते हैं और वो पूरा भर जाता है, तो टीचर वही देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ूँ, ठीक है ना. तो एग्जामिनर थोड़ा वहाँ पे सिली टाइप हो जाता है, आपको सिली मार्क्स मिल जाएंगे. इसलिए आप एकदम साफ सफाई से क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, और तो टीचर को दिखेगा दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे आप गेन कर लोगे. बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. वो इट डजेंट मैटर कि वो थ्योरी है प्रैक्टिकल है, अगर आप उस कंसेप्ट में अच्छे से क्लियर हैं तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं. प्रैक्टिकल में आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सच एज मैथ्स, फिजिक्स. फिजिक्स तो आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों हो गया, बट मैथ्स, अकाउंट्स एटसेट्रा, ये जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके प्रैक्टिकल्स में आते हैं, ठीक है. इसमें आप लोगों को स्टेप के मार्क्स
मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आपको, सॉरी इस सब्जेक्ट में भी आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको फर्स्टली पहले आते हैं, कि फर्स्ट पेपर ही आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और इसमें भी आप ओपन बुक है तो बुक से हेल्प ले सकते हैं, बट क्वेश्चन आपको एज इट इज़ बुक का तो कोई नहीं मिलेगा, सब अलग ही मिलेगा, बट आपको जो कंसेप्ट है वो आप उसमें से देख सकते हैं, बट उसके लिए तो आपको पहले से ही प्रिपेयर हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उस टाइम आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, उस टाइम आप पूरा देखिए और बुक का पूरा जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा वो आप प्रैक्टिकली वहाँ पे करिए, उसको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी आपको प्रेजेंटेशन बना के उसको अच्छे से पेपर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल, थ्योरी का भी हो गया। तो गाइस यही होता है OBE एग्जाम में, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर आप अपने एग्ज़ाम दीजिए। और किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम से रिलेटेड, डेटशीट से रिलेटेड, या ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्हें कुछ कन्फ्यूज़न है हमारे एग्ज़ाम कैसे होंगे क्या होगा, वो मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, वहाँ ज्वाइन करिए, आप डाउट नहीं पूछ सकते। मेरा एक डिस्कशन ग्रुप है जया ट्यूशन क्लासेस का, वहाँ आप उस ग्रुप में मेरे से डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और उस ग्रुप में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वायरीज, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपको डाउट है, ठीक है। तो OBE से रिलेटेड आपकी कन्फ्यूज़न आई होप दूर हो गई होगी, जिन बच्चों की नहीं हुई वो मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। बाकी OBE की और भी जो सीरीज़ है वो मैं इस चैनल पे बनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल पे अप टू डेट रहिए ताकि आप लोगों को सारी लेटेस्ट अपडेट्स अप टू डेट मिलती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।